नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी शेफ सीमा। पनीर एक ऐसा व्यंजन है जो हर किसी को बहुत पसंद है, खास करके वेजिटेरियंस को। इसलिए मैं बताती हूँ आपको कि हम कैसे बनाएंगे टमाटो पनीर। अब हम अपना पैन रखते हैं गैस पे। अब इसमें डालिए तेल, तेल थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। अब हम लेते हैं स्प्रिंग अनियंस एक कटोरी। अब हम स्प्रिंग अनियंस को अच्छे से पका लेते हैं, पर हमें इन्हें लाल नहीं करना है, इन्हें हमें हल्का सा गुलाबी करना है। अब आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग अनियंस का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। और गैस थोड़ी हल्की कर दीजिए। ये 5 टमाटर हैं जिसको हमने मिक्सी में अच्छी तरह पीस लिया है, और इसे अभी हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 2-3 कटी हरी मिर्चें डाल दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी करीबन 1/4 चम्मच नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको तेज़ मसाला चाहिए तो हरी मिर्ची और लाल मिर्ची आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। धनिया वैसे तो ऊपर से डलता है, पर थोड़ा बीच में डाल देते हैं तो इसमें फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। अब हमारा पनीर का मसाला अच्छे से तैयार है, ये खूब अच्छी तरह रिझ गया है। अब इसमें मैं डालूंगी पनीर। गैस को थोड़ा धीमा कर लीजिए। इसको पनीर को अच्छी तरह ये मसाले के साथ लेप लेते हैं। अब इसमें डालती हूँ हल्का सा पानी, ताकि थोड़ा ये मसाला गीला हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बड़ा हल्के हाथ से चलाइएगा ताकि पनीर टूटे नहीं। अब आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। इसका मसाला थोड़ा ढीला है, और अच्छे से पनीर रिझ गया है इसमें। और अभी लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ी सी सॉस। सॉस अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, पर मुझे सॉस के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको डालना है आप डाल सकते हैं, आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़े स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन।
और लास्ट में धनिया, जिसके बिना हमारी कुकिंग कंप्लीट नहीं होती है। अब हम सर्व करते हैं हमारा टमाटो पनीर। तो ये रही हमारे टमाटो पनीर की रेसिपी, एकदम तैयार है ना, इजी। इसलिए बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्वाद अनुसार।